एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जिस रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दैट मीन्स कि वहां पर या तो मेल इन्वॉल्व होगा या फीमेल इन्वॉल्व होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन है उसमें बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसका मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सबसे पहले आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है इसमें वो है फिशन। फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फिशन, जो कि दो टाइप का होता है। पहला होता है बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब ये कि जो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट होगा, वो डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, दैट मीन्स बाइनरी। और मल्टीपल फिजन में हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होगा, मल्टी नंबर्स, यानी कि बहुत सारे। तो हम सबसे पहले बाइनरी फिशन की बात करते हैं। इसमें हम अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम अभी उसके बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये अमीबा का सेल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसका देखो डिवीजन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो अमीबा का सेल है वो क्या होगा, फ्लैटेंड होना स्टार्ट होगा, मिडिल से क्या होगा, वो ग्रूव बनाना स्टार्ट करेगा, ग्रूव। तो देखिए इस तरीके से वो ग्रूव बना रहा है अगले इस स्टेप में। और अब क्या कर रहा है वो कि नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए कि इसका जो है न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है, बीच से उसने भी ग्रूव बना लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है और अब ये जो सेल है रेडी है डिविजन के लिए। तो अब ये क्या करता है, सेल बीच से अलग अलग हो जाते हैं, दो सेल बना लेते हैं, ये देख रहे हैं आप, दो सेल बना लेते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। दैट मींस कि सबसे पहले आपने देखा कि इसमें डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन किसका हुआ है, न्यूक्लियस का। इस स्टेप में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, दो में स्प्लिट हो गया, और उसके बाद जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन हुआ है। तो यहां पर दो पॉइंट ये है कि जो कैरियोकाइनेसिस है दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने देखा कि सबसे पहले डिवीजन हुआ है न्यूक्लियस का, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें जिसका मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि जो अमीबा है अब वो दो डॉटर अमीबा में क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है, अलग हो गया है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसका मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरे टाइप की तरफ ले चलती हूँ, दैट इज मल्टीपल फिजन। इसमें भी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी इस तरीके से भी फ्यूजन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक सेल है, उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, मैंने लेबल करा हुआ है। अब ये जो सेल है वो एक ही टाइम पर क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है, एक ही न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड करता है। और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, प्लाज्मोडियम का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया, पैथोजन है ये उसका, तो वो भी सिंगल सेल। तो इसमें क्या होता है कि एक ही टाइम पर बहुत सारे न्यूक्लियस क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और सेल जो होता है फिर बर्स्ट हो जाता है और हर एक न्यूक्लियस एक सेल बनाता है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दो में स्प्लिट होता है, सिर्फ दो में स्प्लिट होता है। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि वो एक ही टाइम पर बहुत सारे सेल्स में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। इसको हम
इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इन मल्टीपल फ्यूजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर वो क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं और सेल्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमने अभी फिशन के बारे में पढ़ा, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बडिंग। इसके दो एग्जांपल्स हैं, ये दो ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है मेनली, मोस्ट कॉमन है ये, हाइड्रा और ईस्ट। तो हम अभी हाइड्रा का पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रा में कैसे बडिंग के थ्रू कैसे डिविजन होता है, कैसे उसमें नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो हाइड्रा में देखिए, ये पेरेंट हाइड्रा है, ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा जिससे डिविजन होगा, नया हाइड्रा बनेगा। अब इसमें आप ये देखिए कि आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रा है इसके पास ये क्या है, ये टेंटेकल्स होते हैं, ये इनको टेंटेकल्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप अगले स्ट्रक्चर में देखिए कि हाइड्रा उसी तरीके से पहले वाले की तरह है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके बॉटम में एक बर्ड अराइज हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, बर्ड अराइज हो रही है। अब ये देखिए अगले स्टेप में देखिए कि जो बर्ड है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, उसके पास भी टेंटेकल्स आ गए हैं, तो अब ये मैच्योर हो रहा है ना। तो अब आप अगले स्टेप में देखिए कि क्या होता है कि जो पेरेंट हाइड्रा होता है उससे बर्ड जो होता है, जब उसके पास टेंटेकल्स आ जाते हैं तो वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है और वो पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि अब एक ये नया हाइड्रा यानी कि न्यू हाइड्रा इज फॉर्म्ड, व्हाट, न्यू हाइड्रा इज फॉर्म्ड। इसी प्रोसेस से जो हाइड्रा है वो अपना डिवीजन करता है, ऐसे ही बहुत सारे नए हाइड्रास बनते हैं, डॉटर हाइड्रास भी कह सकते हैं आप इनको। ऐसे ही सेम ईस्ट में भी होता है, ईस्ट भी सेम इसी की तरह क्या होता है कि दोनों इसमें ईस्ट के अंदर बर्ड अराइज होती है, सेल उसकी इस तरीके सर्कुलर से उसमें बर्ड अराइज होती है, फिर ये डिटैच हो जाती है, ये ईस्ट का एग्जांपल, डिटैच हो जाती है और फिर क्या करती है, ये फिर ऐसे ईस्ट के अंदर डिटैच हो जाती है, फिर ये अलग से बनाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग और फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। दैट मींस कि यहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, लेकिन फ्यूजन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और यहां पर क्या कर रहे हैं, ये अपना नंबर भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द मोर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।